तो इस हफ्ते की टेक न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हूं एहसास और आप लोग देख रहे थे इडियट टेक। तो सबसे पहला न्यूज निकल कहता है सैमसंग की ओर से। अब आईफोन के बाद सैमसंग की बारी है बॉक्स से चार्जर हटाने की। तो सैमसंग का नया फोन गैलेक्सी S21 में शायद बॉक्स में चार्जर नहीं हो सकता है। तो क्या पता अभी सभी कंपनी चार्जर उठाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। अभी क्या होता है माइक्रोमैक्स इन सीरीज लॉन्च हो रहा है 3 नवंबर को। तो उसकी स्पेक्स के बारे में कुछ बातें लीक हुई है, जैसे कि उसका बैक साइड अब जैसे देख सकते हैं एक्स जैसा दिखा हुआ है। तो ये बैक लुक देखने में तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, अभी पूरा रिवील होने के बाद पता चलेगा। तो और इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें माइक्रोमैक्स इन सीरीज में मीडिया टेक का प्रोसेसर लगेगा, जो शायद होगा मीडिया टेक हीलियो G35 and G85। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा भी होगा। अभी तक इतनी बातें ही पता चली है, आगे पूरी बातें हम लोग 3 नवंबर को पता चलेगा। मैं कोशिश करूँगा आपको ये फ़ोन का रिव्यू लाने के लिए। मैं खुद ही खरीदने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इनका कोई एक फ़ोन। सभी को पता है व्यू बहुत ही अच्छे टीवी कंपनी है, बहुत ही अच्छे एक तरीके एक टीवी बनाते जा रहे हैं। तो व्यू का एक मास्टरपीस जिसका टीवी का साइज़ होगा 85 इंच। जिसकी स्पेक्स की बात करें तो वो होगा 4K HDR QLED पैनल के साथ। और ये इंडिया में लॉन्च होगा, बहुत ही इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस है लगभग 3.5 लाख के आसपास। और ये एंड्रॉयड पाई पे चलता है। अगला न्यूज़ निकल कहता है LG की ओर से। LG का K92 5G फ़ोन लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो चुका है। जिसकी स्पेक्स की बात करें तो हम लोग जो है उस कैमरा की बात करें तो क्वाड कोर कैमरा सेटअप के साथ आता है। जिसकी प्रोसेसर की बात करें तो वो है स्नैपड्रैगन का 690 प्रोसेसर। तो ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसकी कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आता है 16 मेगापिक्सल के साथ, और एंड्रॉयड 10 पे चलता है ये। तो आत्मनिर्भर ऐप लॉन्च हो चुका है बाय मेट्रो। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सारे इंडियन ऐप मिलेंगे, 100 से भी ज़्यादा इंडियन ऐप है हर एक कैटेगरी के। तो वो आप ऐप डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला न्यूज़ निकल के आता है पबजी की ओर से। तो पबजी बैन हो चुका है, पबजी अब अभी नहीं खेल सकते हैं। पबजी खेल भी सकते हैं, तो 30 तारीख का पबजी टोटली बैन हो गया है। तो लाइट अभी भी चल रहा है, लेकिन पबजी मोबाइल अभी काम नहीं करता है। इसको कैसे चला है क्या नहीं चला है, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बता दूंगा। फिर भी हमें बता देगा VPN यूज़ करके पबजी मोबाइल अभी भी चला सकते हैं। तो अगला न्यूज़ निकल कहता है सैमसंग की ओर से। सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है 4 नवंबर को, जो है फ्लेक्सिबल फोल्डेबल फ़ोन जिसका नाम है सैमसंग U21 5G। तो इस फोन में क्या स्पेक्स की बात करें तो इस फोन की ये 12 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। और इसकी प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865। तो इसके को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर हफ्ते टेक न्यूज़ देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला आखिरी न्यूज़, ये टेक न्यूज़ नहीं कह सकते। तो आज मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ मैं देखा था आज रेयर हेलोइन ब्लू मून दिखाई देगा। तो मैं तो बाहर जाके घर के बाहर जाके देखा तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो इसकी खासियत क्या है, ये क्या है क्या, मैंने ज़्यादा पता नहीं लगाया, जस्ट देखा 31 तारीख को आज कोई रेयर ब्लू मून दिखाई देगा, अपेयर होगा। और ये 19 साल में एक बार आता है। और अभी ये नेक्स्ट कब दिखाई देगा उसके बारे में चेक आउट किया था थोड़ा, तब दिखा अगस्त 2023 में दिखाई देगा। तो इस हफ्ते का टेक न्यूज़ यहीं तक था। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।